दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बर्ड का जो है किस तरह से हम लोग जो है फूड बनाएंगे। छोटा बेबी बर्ड हम लोग लाते हैं तो हम लोग जो है कि फूड बनाने में हम लोग से बहुत गलती हो जाती है। ये जो है या तो आप यहाँ पर सत्तू दे सकते हैं या तो आप पेट्स लाइफ का दे सकते हैं, पेट्स लाइफ भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। ये मैंने सत्तू लिया हुआ है और गर्म पानी में इसको घोला गया है और देखिए इस तरह का हो गया। तो इतना मोटा हम लोग का बर्ड जो है वो नहीं खाएगा। तो बर्ड जो हम लोग खाएगा उसके लिए हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा पहले पानी मिलाना है और कितना पतला करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखिए, ये हमने डाला पानी और गर्म पानी में हमेशा घोलना है। पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए, एकदम हल्का सा। और ये देखिए हमने इसको घोल दिया है, ये कितना कैसा पतला हुआ है आप देख सकते हैं। इतना ही, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं करना है। ये आपने देख लिया, देखिए ये गिरता है किस तरह से, कितना लिक्विड है ये आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। बस इतना ही मोटा आपको जो अपने बर्ड को है फूड वो देना है। ये हमारा बन गया है। और अब हम लोगों को क्या करना है, जब हमारा बर्ड फर्स्ट टाइम आया है घर में तो हम लोगों को जो है मेडिसिन भी देना पड़ेगा, तो वो है नियोपेप्टाइन। ये देखिए ये मेडिसिन जो है, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 160 रुपये था। 160 रुपये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो मुझे ये 150 में मिल गया। 150 रुपये, 10 रुपये डिस्काउंट हुआ था। और इसको कितना देना है क्वांटिटी वो आप देख लीजिए। वैसे मैं डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ वो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, ये जो है पाचन के लिए है, यानी जो डाइजेस्टन है वो अच्छा से होगा, डाइजेस्टिव के लिए ही ये है। ठीक है, तो हमारा बर्ड तो छोटा रहता है तो हम लोग को इसको सेक करना है सबसे पहले। और जो है एक बर्ड पे 2 ड्रॉप, यानी कि ये 100 ml का है तो इसमें जो है 2 ड्रॉप, 1 ml में 10 ड्रॉप हो जाता है, तो उस हिसाब से ही देना है। इतना जैसे हमने लिया है तो इसमें मैं यहाँ पे देखिए दे देता हूँ नियोपेप्टाइन, यहाँ हमने निकाल लिया है और इसमें हम डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है और उसके बाद नियोपेप्टाइन तो हो गया पाचन के लिए। इसके साथ ही हमें चाहिए मल्टीविटामिन, यानी जो बर्ड है उसको विटामिन का भी कमी जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, छोटा जो हमारा बर्ड है। तो ये हमारा वाइमिरल है मेडिसिन, ये मेडिसिन आप देख लीजिए, ये मल्टी विटामिन होता है। इस पर लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ तो नहीं है इस पर। ठीक है, इस पर देखिए आप चित्र देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मुर्गी, गाय, पशु, ये सब का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। इसकी प्राइस की बात करें तो 30 ml का है और ये 57 rupees इस पर प्रिंट है, ये आपको 50 रुपये मिल जाएगा 30 ml का। इसका भी सेम क्वान्टिटी देना है। यहाँ से हम लोग ढक्कन खोलते हैं और यहाँ पे इसको सेक कर लिया है हमने पहले ही। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मैं इसमें दे रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही देना है। ये देखिए, ठीक है, अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे। ये हमारा हो गया मल्टी विटामिन। अब ये दोनों चीज़ हमारा ऐड हो गया है तो जो बर्ड्स का जो न्यूट्रिशन जो चाहिए बॉडी में वो कम्प्लीट मिल जाएगा। छोटा बर्ड्स है तो यहाँ पर अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। और इसको हम लोग आराम से फीड करा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया दोनों बहुत ही अच्छा मेडिसिन है और इसका काम भी जो है बहुत ही प्रॉपर है और दाम भी कम है, दाम भी कम है और दोनों मेडिसिन जो है आपको आसानी से मिल भी जाएगा। मेडिसिन जब मुश्किल से मिलता है तो आप खरीदने के लिए सोचेंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, देना है नहीं देना है। ये दोनों ही मेडिसिन का रेट भी कम है और आपको आसानी से मिल भी जाता है, तो इसको आप ज़रूर यूज कीजिए। ये दोनों को मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ, दोनों जो मेडिसिन है ये देखिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो दोनों ही मेडिसिन का यूज बहुत अच्छा है, तो दोनों मेडिसिन को आप लेके कोई भी नया बर्ड्स को अगर आप फीड कराने जा रहे हैं तो ये ज़रूर आप दे दीजिए। तो इससे आपका बर्ड का जो पाचन जो है वो दुरुस्त रहेगा और पचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अब मैं फीड करा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप वो देख सकते हैं।